सरकारें हैं वो नहीं चाहती कि डिप्लॉयड सेक्शन यूनिवर्सिटीज का कॉलेज का मुंह देखे। ठीक उसी तरह जैसे पहले सरकारी स्कूलों के मुंह देखने के लिए बंद कर दिए गए इस नाम पे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात उनके हाथ में कटोरा थमा दिया। उन बच्चों का आधा ध्यान कटोरे के लिए उसमें डलने के लिए रहता था और खाने खाने के बाद आधा दिन उसको बचाने में लगा रहता था। ठीक उसी तरह की वही एजुकेशन पॉलिसी, वही शिक्षा ये सरकार अब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में लागू करने के लिए तैयार खड़ी है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वो डिप्राइड सेक्शन, वो माइनॉरिटी, वो एससी एसटी ओबीसी छात्र या वो अध्यापक जो आज उस आधार पर सामाजिक न्याय के आधार पर आज जो इस काबिल हुआ है कि पार्लियामेंट में अपनी बात उठा सके, सड़कों पर आपके बीच में खड़े होकर, वो जो चुन चुन के थोड़ा बहुत धक्के खाते खाते यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या वो आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को इस लायक बना पाएंगे, उन अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे कि वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अपना मुंह खोल सके, अपना खाता खोल सके। हमें याद रखना होगा कि हरियाणा जैसी सरकारों ने जो विश्वविद्यालय द्रोणाचार्य के नाम पर खुले जा रहे, जो गुरुकुल परंपरा को स्थापित करने में लगी हुई है सरकार, वो उस गुरुकुल परंपरा को अगर लागू करती है तो हम लोग कहां खड़े होंगे? क्या आप उसी राम राज्य की स्थापना करने के लिए आज एकजुट होकर यहां पर तैयार है सत्ता में बैठकर कि वो राम राज्य जिसको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, अगर उसको तपस्या करने का अधिकार था तो उसको मार दिया गया, क्या वही राम राज्य आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एजुकेशन पॉलिसीज में ऑटोनोमस के नाम पर स्थापित करने चाहते हैं? विडंबना है हमारे भारत देश की ये आज जो सत्याग्रह कभी किसी जमाने में विदेशी शासन के विरुद्ध खड़ा किया गया था, वही आज अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए आज हम यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। विडंबना ये भी है कि एक तरफ आप सामाजिक न्याय की बात हर बात में करते हैं, मन की बात में करते हैं, लेकिन दिल की बात में आप कभी उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। आप एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नहाते हर जगह पर करते हैं, लेकिन उसी संविधानिक अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी कुर्बानियों के तहत दिया था, उन अधिकारों को आप न सिर्फ अनदेखी कर रहे हैं बल्कि एक मजाक बनाकर रख दिया है आपने। आज आपके नए नए जुमले तैयार हैं, दोबारा फिर पीपीपी आप लेके आ रहे, पकौड़ा पेंशन और प्राइवेटाइजेशन। वो पकौड़ा पेंशन कौन करेगा ये हम सब जानते हैं। जब जब इस देश में दलित ओबीसी और माइनॉरिटी बहुजन समाज ने अपनी आवाज उठाई, वो आवाज शिक्षा के माध्यम से आई, चेतना के माध्यम से आई, राजनीतिक पार्टियों में प्रतिनिधित्व देने से नहीं आई। ये हम सब जानते हैं कि राजनीतिक पार्टी में बैठे हुए नुमाइंदे हमारी बात कितनी करते हैं, लेकिन वो जो सामाजिक आंदोलन है, जो चेतना है, जो शिक्षा से आती है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी कि शिक्षित बनिए और फिर संगठित होकर दहाड़िए अपने अधिकारों के लिए, उस संविधान की रक्षा करने के लिए, वही आज एकदम ठीक उसके उल्टा है। चाहे वह रोस्टर के नाम पर हो, नॉन सुटेबल फाउंडेशन के, नॉन सुटेबल कैंडिडेट के नाम पर हो, या फिर ऑटोनॉमस बॉडी के नाम पर हो, हम सब जानते हैं अगर शिक्षा प्राइवेट होती है तो उसकी मार सबसे पहले किसके ऊपर पड़ेगी। आज अगर हम यहाँ इस काबिल हैं खड़ा होने के, तो उन सरकारी स्कूलों की बदौलत है, उन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की बदौलत है जहाँ पर सिर्फ 30-30 या फिर 300-300 रुपए एडमिशन फीस हम लेते थे। अगर वही फीस 30 की जगह 30,000 होती है तो हमारे विद्यार्थी कहाँ खड़े होंगे, एक सुरसा के मुंह की तरह एक सवाल मुंह बाए खड़ा। एक तरफ सरकार सबका विकास सबका साथ का नारा देती है, लेकिन दूसरी तरफ टीचर्स की समस्याओं के ऊपर आप मन की बात नहीं जानना चाहते, उनके मन की बात नहीं करते, ना आप यूनिवर्सिटी टीचर्स को बुलाकर डायलॉग करते हैं। मैं एक छोटी सी विडंबना बताती हूँ, अभी हमारे कॉलेज में एक विद्यार्थी का मेरे पास फोन आया, उसने कहा मुझे मार्कशीट चाहिए, कहीं रोजगार के लिए अप्लाई करना है। मैंने कहा आप जाके अपने कॉलेज से ले लीजिए। उन्होंने कहा कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने जो लिंक डाला था
और वो लिंक कुछ ही टाइम तक काम किया, वहां से आपको मार्कशीट लेनी थी। आप देखिए यूनिवर्सिटी के पास इतने भी मतलब पैसा नहीं बचाया विद्यार्थियों के लिए, जिन भारी भरकम फीस आप स्टूडेंट से लेते हैं उनको एक कम से कम हार्ड कॉपी मार्कशीट उपलब्ध करवा सके, और वो लिंक गायब साइट से। और अगर अब आपको जरूरत है तो उसके लिए आपको 500 रुपए पे करना पड़ेगा। पहले आप 500 रुपए देंगे, कॉलेज उसको वेरीफाई करेगा, तब वो साउथ कैंपस में जाएगा, उसके बाद होते 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 डाक के द्वारा आपको वो मार्कशीट भेजी जाएगी। तब तक वो विद्यार्थी जो रोजगार तो देता ही नहीं है सरकार, लेकिन फिर भी अगर निकलती है तो अप्लाई क्या कर पाएगा। हाँ, इससे अच्छा तो हमारी हरियाणा की यूनिवर्सिटी थी, हम लाख गाड़ियां दे कम से कम मार्कशीट तो देती थी, कम से कम वो तो देती थी, उसको हम शीशे में लगा के जड़ के माला जपते थे, भले ही ये करते हो लेकिन देती तो थी। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसका टॉप मोस्ट ये कहा जाता है चेहरा, जब हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर जाते हैं बोलने के लिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर जाते बोलने के लिए, तो वहाँ ये कहा जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का टीचर अगर एक भी अपनी बात अपने अधिकारों के प्रति सड़कों पर उतर कर उठाता है तो न सिर्फ भारत के कोने कोने तक पहुंचती है बल्कि विश्व में भी एक तरह के जागरूकता का काम करती है। उसी यूनिवर्सिटी की विडंबना है कि हमें कागज प्रोवाइड नहीं करवा पाते। अब देखिए जहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वह कहाँ से स्टूडेंट जो बिहार का है, हरियाणा के दूर दराज के क्षेत्र का है, वो इंटरनेट से लिंक कहाँ ढूंढेगा, कैसे उसको अपनी डीएमसी मिलेगी। एक तरफ आप रोजगार बंद, दूसरी तरफ आप गाये बगाये निकालते, तो ऐसी स्थिति आपने पैदा की हुई है। एक चीज मैं और जरूर कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ छात्र नेता कहीं बोल के गए हैं उनके लिए भी, कि ये न सिर्फ रोस्टर का सवाल है, ये सिर्फ SC ST की समस्या नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ SC ST OBC बाहर जाएगा, जब मानसिकता है आपकी यूनिवर्सिटी उसके दरवाजे बंद कर दो, चला दीजिए द्रोणाचार्य द्वार यूनिवर्सिटीज में, ताकि आने वाला जो विद्यार्थी होगा इस सेक्शन से उसका अंगूठा आप पहले ही काट दो, मत पहुंचाइए उसको यूनिवर्सिटीज के पोस्टों पे। आपके पास बहुत सारे हथियार हैं, हमारे पास सिवाय विकल्प हंगर स्ट्राइक के, भूख हड़ताल के, सड़कों पर उतरने के यही है, क्योंकि टीचर कम्युनिटी इतना ही कर सकती है, ये सरकारें जानती हैं। लेकिन ये सरकारें इतना भी जानना चाहिए कि अगर टीचर सारी चीजों को छोड़कर सड़कों पर उतरेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। अभी एडमिशन आने वाले 19 तारीख से, तो अगर टीचर इस तरीके से सड़कों पर उतरता रहेगा और यूनिवर्सिटी डायलॉग करना भी उचित नहीं समझेगी तो उसका समाधान क्या निकलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लास्ट पॉइंट बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल रोस्टर को लेके ज्वाइंट एक्शन कमेटी टू सेव रिजर्वेशन बनाया गया, और डूटा ने पूरा समर्थन का आश्वासन दिया था। ये हमारी भी अपनी कमी है और डूटा की भी शायद कहीं ना कहीं कमी है कि अभी तक हम सिर्फ उसके ऊपर बात कर पा रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन हमें नजर नहीं आ रहा। जो आने वाले जुलाई में जो अपॉइंटमेंट होगा या जो दोबारा रीजॉइनिंग होगी उसका रिजल्ट सबके सामने हमारे आएगा। तो मैं ये डूटा के अध्यक्ष से और हमारी पूरी टीचर्स कम्युनिटी से ये अनुरोध करती हूँ कि रोस्टर का जो सवाल है वो सिर्फ SC ST OBC के लिए दरवाजे बंद करने वाला नहीं है, बल्कि उसकी मार आपके ऊपर भी उतनी ही पड़ेगी। इसलिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो बनी हुई थी, डूटा उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा हो और कमेटी भी उनके साथ डायलॉग रखे, ये हम आपसे आश्वासन चाहते हैं। बाकी अध्यक्ष जी आपके आपके नेतृत्व में डूटा लगातार बॉयकॉट कर रही है, वो सफल हुआ है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि अगर आप ऐसे ही सड़कों पर उतरेंगे तो ये सरकार क्या, कोई भी सरकार जब टीचर कम्युनिटी सड़कों पर उतरती है अपने निर्णय को बदलने के लिए बाध्य हो सकती है।